आज एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम है वो आपके पास पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर मुश्तमिल है, और पेयर ऑफ यूरेटर है, इनमें यूरिनरी ब्लेडर है और एक यूरेथ्रा है। ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। जो किडनीज होते हैं वो अमूमन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उनके दोनों साइड में ये किडनीज मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये जो किडनी से एक ट्यूब निकलती है, ये आप देख सकते हैं किडनीज, दोनों किडनी से यहाँ पे एक ट्यूब निकले है। ये जो ट्यूब है इनको क्या कहते हैं, इनको यूरेटर कहा जाता है, और इनकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। और ये क्या करते हैं, यूरिन में की फॉर्मेशन, आपको पता है कि यूरिन की फॉर्मेशन किडनी में होती है, यूरिन की फॉर्मेशन किडनी में होती है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक कौन, यूरेटर, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो यूरेटर है ये किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ, यूरिनरी ब्लेडर। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लेडर है वो आपके पास क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है विच सर्व एज अ रिजर्वियर ऑफ यूरिन। ये क्या करती है, यूरिन को स्टोर करती है, रिजर्व करती है, यूरिन को स्टोर करती है। जो कि यूरिन आपके पास कहाँ से आती है, किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आती है, जहाँ वो थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है। और यूरिनरी ब्लेडर में लास्ट जो पोर्शन है वो आपके पास यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लेडर से आउटसाइड, यानी बॉडी के आउटसाइड में इसको ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक किडनी का। ये आपके पास किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, रीनल आर्टरी है, इसके थ्रू ब्लड आता है, ब्लड किडनी में आता है, और रीनल वेन के थ्रू ये किडनी से ब्लड रिमूव होती है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये जो ये आप रीनल पेल्विस, ये बेस है, किसका बेस है, यूरेटर का बेस है आपके पास रीनल पेल्विस। इसके थ्रू आपके पास जो वेस्ट जो मटेरियल है ये आती है यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर तक ये जाते हैं। ये था आपके पास, ये देख सकते, ये एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनी का। उसके बाद ये एनाटॉमी कुछ इस तरह है, किडनी का एनाटॉमी कुछ इस तरह है। ये सबसे आउटर लेयर होती है किडनी की, जो जिसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल के इनर साइड में एक और लेयर होती है, ब्लैक लेयर होती है, जिसको इतना ब्लैक यानी डार्क ब्लैक होती है उसको क्या कहते हैं, सॉरी रेड डार्क होती है उसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर ये जो कोन शेप यानी समोसे की तरह कुछ चीजें होती है किडनी के अंदर, उनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और इनके बीच में एक लेयर्स होते हैं उनको हम रीनल कॉलम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसके लिए पिरामिड्स के लास्ट एक ट्यूब लाइक, इधर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको रीनल पेपिलाई कहते हैं। और ये आपके पास रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस एक फनल शेप होती है जहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल किडनी को फिल्टर करता है। इनके अंदर क्या होते हैं, निफ्रॉन्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे निफ्रॉन्स के बारे में। निफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद इस फनल शेप यानी रीनल पेल्विस में सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होते हैं रीनल पेल्विस में। तो ये था आपके पास द यूरिनरी सिस्टम। तो निफ्रॉन के बारे में मजीद आगे वाले आगे डिस्कस करते हैं निफ्रॉन्स के बारे में।